बजट में घोषणा करके सीएम साहब ने आम लोगों को फ्री बिजली का तोहफा दिया। 50 यूनिट के जगह 100 यूनिट बिजली फ्री किया। लेकिन लगता है पब्लिक के साथ साथ गहलोत सरकार ने अपनी बिजली भी फ्री कर ली है। तभी तो धौलपुर में ही अभी तक 290 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर चुके हैं। बिना बिल भरे सरकारी दफ्तर बिजली इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन लगता है राजस्थान में ये सुविधा सिर्फ सरकारी बाबुओं के लिए है। तस्वीरें देखिए, अगर आपका बिजली बिल थोड़ा भी बकाया है तो आपके साथ भी ये सुलूक हो सकता है। नगर निगम के बाबू आके आपका बिजली का कनेक्शन ही काट ले जाएंगे। सर, आपके विभाग द्वारा जो इस समय वसूली अभियान चलाया जा रहा है, तो डोमेस्टिक, नॉन डोमेस्टिक और जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, कितना बकाया चल रहा है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हमारे डोमेस्टिक में जो बकाया है वो 222 करोड़ रुपए बकाया है और कमर्शियल पे 8.5 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं। इसके लिए ट्रांसफार्मर उतारने की कार्रवाई, जिन पर बकाया है उनकी कार्रवाई चल रही है, साइट से ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं और कमर्शियल में भी कनेक्शन काटे जा रहे हैं और इस वसूली की कार्रवाई की जा रही है। और सरकारी डिपार्टमेंट पे हमारे करीब 12 करोड़ रुपए बाकी है। क्योंकि ऐसे विभाग कौन कौन से में, एक तो नगर परिषद है, PhD है मेन विभाग, एजुकेशन है और मेन तो यही है। टोटल विभाग कितने हैं सर? टोटल विभाग हो गए करीब 16-17 विभाग। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, नोटिस वगैरह? नोटिस हमने हर महीने सबको देते हैं और देते आ रहे हैं। अब यदि मान लो अब जमा नहीं कराएंगे ये, तो हम इनके कनेक्शन भी काट देंगे। कितने दिन में? मार्च में काट देंगे। 15 मार्च से पहले यदि जमा नहीं कराएंगे तो हम इनके कनेक्शन काट देंगे। देख रहे हैं आप, अगर आपका बिजली बिल भी 1000-2000 बकाया है तो फौरन चुका दीजिए, नहीं तो धौलपुर बिजली विभाग का ये एक्शन आपके घर पर भी चल सकता है। बिजली विभाग के लोग आएंगे और आपके घर का कनेक्शन काट ले जाएंगे। लेकिन सरकार का ये एक्शन उन सरकारी दफ्तरों पर नहीं होगा जो न जाने कब से करोड़ों की बिजली जलाए जा रहे हैं। फिलहाल सरकार का ये फरमान धौलपुर में लागू हुआ है और बिजली विभाग उन लोगों के घरों की बिजली काट रहा है जिनका थोड़ा बहुत बिल भी बकाया है। लेकिन इनकी नजर उन सरकारी दफ्तरों पर नहीं पड़ रही जिनका मात्र धौलपुर में ही 290 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है और पब्लिक से फुल वसूली चालू है। ऐसे में अब सोचिए उन लोगों का क्या हाल होगा जिनके घरों की बिजली काट दी गई है। धौलपुर से उमेश मिश्रा की रिपोर्ट।